और मैं ये आपके साथ जरा यहाँ शेयर करना चाहूंगी। मोदी जिम्मेदार है कैसे? एक जगह मेरी शादी तोड़वाने का। अच्छा बात नहीं है। मेरी शादी इंडिया में होते होते रह गई। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अच्छा, उनके बच्चे हमके मामू कह गए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौलाना आज की तारीख में, इससे पहले तारिक जमील हुआ करता था। आजकल उसकी दुकान थोड़ी बंद पड़ी हुई है क्योंकि उसने अपने बिजनेस स्टोर्स खोल लिए, मतलब लग्जरी ब्रांड बना लिया उसने अपना, तो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देता है वो। और अभी उसके एक बेटे ने सुसाइड भी कर लिया अपने आप को गोली मार के। तो वो आजकल क्या है, थोड़ी तकरीरें कम कर रहा है। और आजकल ये भाई साहब पाकिस्तान के नंबर वन मौलाना बने हुए, नंबर वन। मेरी शादी इंडिया में होते होते रह गई। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उनके बच्चे हमके मामू कह गए। तो मेरी भी होने लगी थी, फिर वो मोदी सरकार की हुकूमत आ गई तो ना यहाँ वीज़ा मिल सकता है। फिर हमारे का अब इतना लंबा प्रोग्राम हम चला नहीं सकते। ये पुरानी बात है, जब मोदी सरकार नई नई आई थी तो मेरा पूरा रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन फिर वो हमने कहा भी ये वीज़ा निक के मसले हैं। हमने कहा चलो अगले इलेक्शन में सोचेंगे। अगले इलेक्शन में फिर मोदी साहब आ गए। मोदी जिम्मेदार है एक जगह मेरी शादी तोड़वाने का। अब हमने कहा 10 साल कौन इंतज़ार करेगा भाई, एक दफ़ा आ गया फिर अगली दफ़ा भी आ गया तो हम तो यहीं बैठे बैठे, तो ऐसी शादी हम करते ही नहीं है। हमें तो शादी हो फौरन रुखसती हो, ये नहीं कि 10 साल कौन देखे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उनके बच्चे हमको मामू कह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उनके बच्चे इनको मामू कह गए। और सुने, अरे तो इतनी शादियां करनी क्यों है? इस बंदे की ऑलरेडी 4 शादी हो चुकी है, इसके करीब 18-19 बच्चे हैं। और बच्चे कितने हैं आप? बच्चे मुझे हर दफा सोचना पड़ता है, अभी तक पौने 16 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। इतनी बीवियां इतने बच्चे होने के बाद भी ये बंदा शादी करना चाह रहा है, वो भी इंडिया से। बेटा इंडिया में नजर मत आ जाइयो। अरे जरा बारी बारी से आने दो। और अब के आरबी 400+ सीटों से जीत के आएंगे, मैं जानता हूँ। और हाँ मेरे भाइयों, मतदान बहुत कम हो रहा है, जाओ निकलो, छुट्टी का दिन मत समझो इसको। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है, सही बात है, वोटिंग में अपना हिस्सा दो। छुट्टी का दिन नहीं होता मेरे भाई, जाके एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक वोट की। इसलिए अपने मतदान जरूर कीजिए, पहले मतदान फिर जलपान। ठीक है, ठीक है जी। चलिए बात कर लेते हैं फिजा खलीफा की। फिजा खलीफा के साथ में एक महत्वपूर्ण घटना घट गई। क्या बात कर रहा है? और ये घटना इतनी बड़ी थी कि बंदी ने प्राइम टाइम शो के अंदर इस घटना का बयान किया। असंभव। आप देखिए, मजा लीजिए। और मैं ये आपके साथ जरा यहाँ शेयर करना चाहूँ कि मेरे साथ हुआ क्या, और आप में से बहुत से लोग इस तरह की वाकयात से गुजर चुके होंगे। एक तस्वीर होगी, जरा प्रोड्यूसर साहब चलाइएगा अगर तस्वीर रेडी है। ठीक है, ये जरा देखिएगा। ओके, जरा मैं आपको बताऊंगी हुआ क्या था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर बाहर आती थी, तो बाहर ये एक गाड़ी खड़ी थी जो कि बिल्कुल सड़क के सेंटर में आप देख सकते हैं। साइड पे पार्किंग की कितनी जगह आपको नजर आ रही होगी, इस साइड पे भी और वो देखें दूसरी साइड पे भी। लेकिन एक गाड़ी वाला बीच सड़क के यहाँ खड़ा था, और इस गाड़ी वाले को मैंने हॉर्न दिया और बहुत बार दिया, और इन साहब ने गाड़ी नहीं हटाई, साइड पे भी नहीं की। फिर मुझे उतर कर जाना पड़ा, और जब मैं गई तो मैंने उनसे बात की, और उन्होंने इंतहाई बदतमीजी के साथ मुझसे बात की। मैंने मास्क पहना हुआ था और शायद वो मुझे नहीं पहचान पाए थे, और मैंने खुद भी तारुफ करवाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सिर्फ उनको समझाया कि आप गाड़ी साइड पे कर लें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, पहले जवाब ये दिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी बहस की कि भाई ये अच्छी बात नहीं है किसी को परेशान करना, और रोज़े से आप ये सीख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जाएं आप थाने में चली जाएं, जब मुझ पर पर्चा करवा दें। इतनी बदतमीजी के साथ मुझसे बात की, और हम इतना एहतराम कर रहे हैं कि हम इस गाड़ी का नंबर ब्लर करके चला रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है। मैं साहब को जानती भी नहीं थी, लेकिन ऐसे बहुत से साहिबान सड़कों पर होंगे, और इस तरह के बहुत से वाकयात से आप भी गुजरे होंगे जहाँ पर लोग अपनी गलती मानने के बजाय बदतमीजी करते हैं। और ये नज़ारे सिर्फ आपको सड़कों पर नहीं मिलेंगे, अब तो जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, नौजवान हैं, उनका ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर गुजरता है, और वहाँ पर हालात बहुत ही खराब। फिजा खलीफा, तुम्हारे बचपन में तो सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर तुम क्यों बिगड़ गई? तुम कितनी इतनी 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 वाहियात बन गई। तुम सारा दिन भारत को गाली देती रहती हो, एवरी डे भारत मोदी वापस से करना आपने शुरू कर दिया है। आपके समय तो सोशल मीडिया नहीं था, फिर आप इतनी बदमाश कैसे बन गई? कहते हैं कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। हमको हमारे देश को गाली देने में आपको मिलता क्या है, बताइए हमें। वाह भाई वाह। खैर, अपने अगले वीडियो में बताएगी। जब तक मैं मिलवाता हूँ एक पाकिस्तानी चचा से। ये चचा जब
छोटे थे स्कूल जाया करते थे, मदरसे जाया करते थे, हालांकि है तो अभी वकील साहब, तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाया करते थे। पूरा बचपन इनका इन्हीं नारों में गुजर गया, पूरी जवानी इनके इन्हीं नारों में गुजर गई है, और अब आ गया है बुढ़ापा। अब चाचा की एक पैर कब्र में लटक रही है। अब चाचा को कोई बोलता कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो चाचा उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। तो चाचा के आनंद लीजिए आप भी। 78 ईयर हो गए हैं कश्मीर वहीं खड़ा है, और यूएनओ कुछ नहीं कर सकी, ठीक है ना। बात तो यूएन से निकल के मल्टीलैटरल से बाइलैटरल पे आ गई ना। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये टेबल डिस्कशन है, इसमें ओरल कुछ नहीं होना। उन्होंने इसराइल बनाना था, बना दिया, पूरी दुनिया देखती रही। ये है इस दुनिया का रूल, माइट इज राइट, माइट इज राइट, ठीक है। जिसके पास ताकत है वही सब कुछ है। जब भी कश्मीर का मसला गया है वीटो हो जाता था, रशिया वीटो कर देता। अब अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि रशिया और ईरान से आपने ट्रेड नहीं करना, और ये मान गए हैं। इमरान खान गया था और उसको उन्होंने घर भेज दिया। तो अभी पाकिस्तान ने ये बात दुनिया को बताई है कि हम ईरान के साथ जो वो पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अमेरिका ने कहा भाई आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे, क्या पाकिस्तान रेडी है इसके लिए? पाकिस्तान कभी भी रेडी नहीं हो सकता। वो इसलिए है कि पाकिस्तान मांगता है। मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, इज्जत उनकी होती है जो खुददार हो। अब देखें इसराइल क्या चीज़ है, अमेरिका से टक्कर ले गया, सेल्फ सफिशिएंट है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक 51 स्टेट्स हैं अमेरिका की, ये 52 है पाकिस्तान जी। यहाँ कोई चीज़ अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हो सकता है? आप बताएं, कोई नहीं। कोई बड़ी अपॉइंटमेंट अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हो ही नहीं सकता। अमेरिका छा गया, ये पाकिस्तान उसकी कॉलोनी है, हमारी कोई आज़ादी नहीं है। ये इलेक्शन आज़ादी वाले हुए हैं, ये जो इलेक्शन हुए हैं ये आज़ादी इंडिपेंडेंट हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। रिगिंग नहीं हुई, 45-47 ही चल रहा है, कुछ हुआ है? आपकी सुप्रीम कोर्ट भी खामोश बैठी है। जो है वो माली तौर पे तंग है, परेशान है। आटा देखें, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम चार बंदे हैं घर में, 63,000 रुपीज़ आया बिल सुई गैस का। अब बताएं, कुछ समझ नहीं, कोई बोलचाल नहीं। अब बिजली है, बिजली 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा एक एसी का, कौन दे सकता है? फिर सर ऐसे तो मिडिल क्लास क्रश हो जाएगी, ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ लोअर क्लास है या अपर क्लास है। चाचा की बात सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि चाचा आप ज़िंदगी में कभी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाचा बचपन से बूढ़े हो गए, और वैसे भी पाकिस्तान की 3 पीढ़ियां तो गुजर चुकी है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान करते करते। और मैं कहता हूँ तुम्हारी 300 पीढ़ियां गुजर जाएगी, कश्मीर को तो भूल जाओ तुम। जो तुम्हारा पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको और संभाल के रखो थोड़ा सा, वो कहीं स्लिप होने वाला है, कभी भी हो जाएगा। वैसे भी मोदी जी ने कह दिया है कि अब के तीसरे टर्म के अंदर हम इतने बड़े फैसले करने वाले हैं कि बस किसी ने सोची नहीं होगी। तो सोच लो पाकिस्तानियों, तुम्हारा क्या होगा। वाह भाई वाह। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आप ही का। आप भी इन पाकिस्तानियों को रगड़ा लगाते हुए चाहिए, मतलब मस्त मस्त कमेंट कीजिए, पढ़ने के बाद में मजा आ जाए। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए भाई साहब, आजकल तो व्यू ही नहीं आ रहे। मतलब मेरा एवरी वीडियो के अंदर इतना हार्डवर्क होता है, जो एडिटर होता ना वो समझ जाता है कि भाई ने बहुत मेहनत की है हर वीडियो में, एवरी वीडियो में। तो भाई लोग शेयर जरूर किया कीजिए, तभी वीडियो आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी यूट्यूब प्रमोट करेगा, तभी आगे बढ़ेगी वीडियो, तभी हमारा खर्चा निकलेगा। आपका भाई कार लेगा, टाटा पंच लेगा, देश का पैसा देश में रहेगा, कोई भी विदेशी अपनी की कार नहीं खरीदूंगा, अगर खरीदूंगा तो। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।